लेकिन भारत का इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद भी बांग्लादेश एहसान फरामोश क्यों होता जा रहा है? आखिर वो कौन सा दाना है जिसे चीन ने फेंका और उसे बांग्लादेश के पक्षी ने चुभ लिया? बांग्लादेश ट्रेड कर रहा है, बांग्लादेश तजारत कर रहा है, बांग्लादेश कोई गुलामी नहीं कर रहा जिसके ऊपर आप ये कहें कि चाइना के जाल में फंस रहा है। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम, अपना रखे मुनासिन आशा कुरी शवाई बालो आसिना में जिन्हें अपना रहा देखते सन जुनेद अली के ऑफिशियल आमी अपना दर जुनु आगती वीडियो प्ले करती जर्ची शवाई देखबीन आशा कुरी शवाई देखबीन बालो लगबे। आज बात करने वाले हैं चाइना बांग्लादेश ट्रेड के हवाले से और हिंदुस्तानी मीडिया किस तरह इनकी दोस्ती से इनकी तजारत से बौखलाया हुआ है और हिंदुस्तानी मीडिया आज बांग्लादेश को अपने एहसान याद करवा रहा है कि किस तरह हमने तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम एहसान फरामोश हो चुके हो और बांग्लादेश को बुरा भला कहा जा रहा है? ये बात आम है कि हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश को 50 साल गुजरने के बावजूद आज भी हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश को ये एहसान जताता है कि हमने आपकी मदद की, हमने बांग्लादेश बनाने में मदद की, हमने बांग्लादेश को खड़ा किया और आप चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात बना सकते हैं। आज इसी हवाले से वीडियो है कि हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश को गालियां भी दे रहा है और बांग्लादेश को बुरा भला भी कह रहा है। क्या कह रहा है आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, है वी गो। नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बांग्लादेश चीन का पक्ष क्यों ले रहा है? आखिर भारत से उसने दूरी बनानी क्यों शुरू की है? इसके पीछे का कारण आपको जानना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश लगातार चीन की पक्षधारी करता रहा है और इन सब को जानने से पहले हमें बांग्लादेश के भौगोलिक संरचना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जाननी होगी ताकि सवाल के जवाब को समझने में थोड़ी सहूलियत मिले। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और भारत के साथ उसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है जो कि करीबन 4000 किलोमीटर से अधिक है। भारत वही मुल्क है जिसने बांग्लादेश को 1971 में अस्तित्व में लाया था। इससे पहले आपको मालूम है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत का इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद भी बांग्लादेश एहसान फरामोश क्यों होता जा रहा है? आज बांग्लादेश बीते दिनों का एहसान भूलकर चीन के जाल में फंस चुका है। आखिर वो कौन सा दाना है जिसे चीन ने फेंका और उसे बांग्लादेश के पक्षी ने चुभ लिया और वो चीन के जाल में फंस गया? दोस्तों ये माजरा है कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और चीन बांग्लादेश व्यापार को लेकर है। कोरोना के पहले भारत की जीडीपी 4% के आसपास आ गई थी, तब बांग्लादेश की जीडीपी 8% के आसपास थी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जीडीपी को और बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो एड़ी चोटी तक का जोर लगाने की हर कोशिश करने में लगी हुई है ताकि इनकी जीडीपी 8% से ऊपर रहे। आज के मौजूदा दौर में जहां भारत और चीन की दोस्ती में खाई बढ़ती जा रही है, तब चीन ने बांग्लादेश की नस पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने के लिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना पासा फेंका है। चीन बांग्लादेश से जो सामान इंपोर्ट करता है उसे चीनी बाजार में बेचा जाता है और उस पर चीनी सरकार सीमा शुल्क नहीं वसूलती, यानी कि बांग्लादेश को अपने देश की सामान को चीनी बाजार में बेचने के लिए चीनी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा कि अब बांग्लादेश का सामान चीन में और सस्ता मिलेगा जिसके कारण लोग और अधिक मात्रा में खरीदेंगे जिससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ जो चीनी सामान बांग्लादेश के बाजारों में बिकता है उस पे बांग्लादेश की सरकार सीमा शुल्क वसूलती रहेगी, इसमें कटौती नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश के दोनों हाथों में चीन ने खोआ वाला लड्डू दे दिया है, तो भला बांग्लादेश इस मौके का फायदा क्यों ना उठाए? इसीलिए जो बांग्लादेश भारत के एहसान का हमेशा दुहाई दिया करता है वही बांग्लादेश आज छलावा क्यों कर रहा है जबकि उसकी सीमा भारत के साथ लगती है ना कि चीन के साथ। इसी की वजह से भारत के साथ व्यापार करने में उसे परेशानी नहीं होती जबकि दोनों ही देशों की दोस्ती पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन फिर भी धोखा दे रहा है। तो आप समझ गए हैं, दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज है, यानी कि भारत के लिए क्या करना चाहिए, वो भी आपको जानना जरूरी है। देखिए दुश्मनी तो हम किसी से मोल नहीं लेने वाले क्योंकि पड़ोस में रहना है, सावधानी तो हमें बरतनी है, लेकिन मजबूरन लड़ना नहीं है। ऐसे में भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है, चीन की है 14 ट्रिलियन डॉलर की। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि चीन हमसे कितना अधिक अमीर भी है। यदि हम चीन जैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो आज बांग्लादेश चीन की नहीं बल्कि हमारी तरफदारी करेगा। होता ही है दोस्तों समाज में भी, जिसके पास पैसा है उसकी यारी दोस्ती भी बढ़ती है। लेकिन एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी, वो है कि चाइना को भी सबक सिखाने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि पैसे के दम पर कुछ समय के लिए चीन दूसरे देश को अपने पक्ष में कर सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और बांग्लादेश ने जो अपनी हरकत हमें दिखानी थी वो तो उसने दिखा दी और हमने उसे देख भी लिया।
दोस्त और दुश्मन का सही मूल्यांकन विपत्ति के समय किया जाता है। आज नेपाल तक भी भारत को कुछ भी बोल देता है। इसमें हमारी विदेश नीति का कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, चाइना की इन हरकतों पर केवल भारत की नजर नहीं है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की है। ऐसे में चाइना की इकोनॉमी को कमजोर करने के पीछे अब अमेरिका हाथ धोकर पड़ गया है और उसके खिलाफ एक तरह से युद्ध भी छेड़ दिया है। यही नहीं, भारत भी चाइना के खिलाफ इस तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है यहाँ पर, हमारे देश में जो हमारी आंतरिक स्थिति है उस पर भी ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जयचंद काफी बैठे हुए हैं। ऐसे में कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसके लिए समर्थन की बजाय उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो बरसाती मेंढक ठक से बाहर आ जाएंगे और अलग अलग तरीके का ज्ञान देने लगेंगे, जैसे कि गरीबी, सुविधा देखो और वगैरह वगैरह। और जब कभी कोई प्रोजेक्ट गलती से शुरू होने के कगार पर पहुंच जाता है, फिर सरकार बदलने पर समीक्षा के नाम पर उसे निरस्त कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप अहमदाबाद मुंबई की बुलेट ट्रेन की जो हालत है उन्हें देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब सरकार को ऐसी परियोजनाओं को लेकर ठोस योजनाएं बनानी होगी ताकि भविष्य में इनको लेकर राजनीति करने का मौका किसी को ना मिले और देश आगे बढ़े, समृद्ध हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो ताकि भारत की जो अहमियत है वो और बढ़ सके। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि हिंदुस्तानी मीडिया आज भी बांग्लादेश को अपना एहसान याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश को ये कहता है कि हिंदुस्तान को छोड़कर किसी के साथ ट्रेड ना करें, चाहे आपका फायदा भी होता हो। अब चाइना तो फायदा दे रहा है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश से टैक्स नहीं ले रहा, अपनी मार्केटें बांग्लादेश के लिए खोली हुई हैं और बांग्लादेश में जो सामान बेचता है चाइना उसके ऊपर टैक्स भी दे रहा है। अब बांग्लादेश को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश को ये फायदे ही नहीं लेने चाहिए। अब तो जाल में फंस रहा है, बांग्लादेश ट्रेड कर रहा है, बांग्लादेश तजारत कर रहा है, बांग्लादेश कोई गुलामी नहीं कर रहा, जिसके ऊपर आप ये कहें कि चाइना के जाल में फंस रहा है या चाइना से कोई कर्ज लेने की बात हुई है। बराबरी की सतह पे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, तजारत को बढ़ाया है, अपने लिए फ़ायदे ढूंढे हैं, अपनी तजारत के लिए फ़ायदे ढूंढे हैं, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं और बांग्लादेश की जो GDP है उसकी ग्रोथ रेट 8 कुछ है, उसको कम नहीं होने दे रहे और हिंदुस्तान की 2.5 है। इसके ऊपर भी चला रहा है हिंदुस्तानी मीडिया कि बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल रहा है, बांग्लादेश किस तरह हमसे आगे निकल सकता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से पीछे रह जाए, इसके ऊपर भी हिंदुस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है और ये बात बोली जा रही है कि हिंदुस्तान पीछे है, बांग्लादेश आगे क्यों चल रहा है। चाइना की तरक्की से जलता हुआ हिंदुस्तानी मीडिया अब बांग्लादेश की तरक्की से भी जल रहा है। चाइना की मुखालफत करते हुए अब ये बांग्लादेश की मुखालफत भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ तो हिंदुस्तान की वैसे नहीं बनती, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर अब ये टारगेट करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात को भी टारगेट करना शुरू कर चुके हैं और हिंदुस्तान अब बांग्लादेश को बताएगा कि किस तरह तिजारत को बेहतर बनाना है, किसके साथ तिजारत करनी है, किसके साथ तिजारत नहीं करनी, अब ये हिंदुस्तानी मीडिया बताएगा बांग्लादेश को। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।